नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा। आज बात करेंगे यार कि एनुअल क्लास 12th के दो जो रिजल्ट है जून वाले, उनके एक रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स लेकर आया हूँ मैं। और ये अपडेट CBSE के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, कुछ दिन पहले ही जब CBSE के बोर्ड के रिजल्ट की बात चलने लग गई, आपको पता है कि CBSE बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई को डिक्लेयर करने की बात कह दी गई है। और इसी बीच सभी जो 12th के रिजल्ट हैं, यानी कि जो स्कूल्स हैं, उन सभी को CBSE बोर्ड में सबमिट करवाना है। और इसीलिए दोस्त, जल्दी जल्दी में कई सारे बच्चों के मार्क्स को मिसप्रिंट कर, यानी कि मिस्टेक करके भेज दिया गया। ऐसे में बहुत दिक्कत उन बच्चों के साथ हुई है जिनके साथ ऐसी गड़बड़ी हुई। ऐसे में दोस्त, फिर से रीचेकिंग के लिए जिन्होंने स्कूल ने मार्क्स भेजा था CBSE बोर्ड को, उनको रीचेक करने के लिए, प्लस और एक टाइम लिमिट था कि 22 तारीख तक सबमिट करवाना होगा सभी को, स्कूल्स को, CBSE बोर्ड के अंदर मार्क्स। अब उसको 22 तारीख से बढ़ा के 25 तक कर दिया गया है ताकि किसी को दिक्कत ना। तो 25 जुलाई लास्ट डेट है, सभी को अपने मार्क्स सबमिट करवाने होंगे CBSE बोर्ड के अंदर। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में कई बच्चों के मार्क्स को ही गलत कैलकुलेट करके भेज दिया गया था, इसको सुधार किया गया है। अब दोस्त, मैं आपको इस बिहाब पे ही ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि सेम यही तरीका NUS बोर्ड भी कर रही थी। 31 जुलाई का दोस्त एक डेट लेकर चल रहा है NUS बोर्ड भी कि हम इस डेट तक के मतलब कि अपने रिजल्ट को अच्छे से डिक्लेयर कर देंगे और प्रिपेयर भी कर लेंगे, जिसके लिए दो तीन प्रोसेस था जो कि किया गया। सबसे पहले जितने भी स्टडी सेंटर है वहाँ पे बच्चों ने अपना TMA सबमिट करवाया था। अब स्टडी सेंटर वालों को उन TMA के अंदर मार्क्स देने थे और मार्क्स देने के बाद फाइनली मार्क्स को रीजनल सेंटर में सबमिट करवाना था और ये मार्क्स हेड ऑफिस में सबमिट होने वाले थे। दोस्त, कई बच्चों के मार्क्स तो सबमिट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 15-20% ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्त जिनके मार्क्स पासिंग मार्क्स से भी कम हैं। इसलिए NUS बोर्ड ने उन बच्चों के मार्क्स को फिर से रिव्यू करने के लिए दोबारा से उन स्टडी सेंटर वालों को कहा है कि ये मार्क्स किस तरीके से दिए गए हैं दोस्त, जो कि 15-20% बच्चे फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ TMA के मार्क्स हद से ज़्यादा कम है। इसी चीज़ को दोस्तों देखते हुए कहा गया है कि या जल्दबाजी में मार्क्स दिए गए या तो कुछ इस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसमें बच्चों को सही से डिजर्व जो कैंडिडेट हैं उनको अच्छे से मार्क्स नहीं मिल पाया। तो इस तरीके दोस्त, कई सारे बच्चों के मार्क्स को फिर से जो TMA के मार्क्स हैं उसके मार्क्स को फिर से रिव्यू किया गया है NUS बोर्ड के अंदर, सिर्फ इसलिए ताकि जो जून का रिजल्ट है दोस्त उनमें मोस्टली बच्चे पास आउट हों क्लास 12th NUS बोर्ड से। और यही बात क्लास 10th की, तो दोस्त सेम फार्मूला क्लास 10th पे भी अपनाया गया है। ये बात NUS बोर्ड के अधिकारियों ने दोस्त जब कही मुझसे, जब CBSE की बात सामने निकल कर आई, और दोस्त CBSE मीडिया के अंदर आपको पता कि मामला बहुत जल्दी से आ जाता है और NUS की खबर जल्दी से नहीं आ पाती। ये तो दोस्त मैं इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा पल पल की खबर और अपडेट्स देता रहता हूँ, लेकिन अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत भी नहीं है। आपने TMA सबमिट करवाया है, कुछ बच्चों के दोस्तों मार्क्स जो हैं आपको ऑनलाइन शो भी हो चुका होगा, बहुत कम मिले थे, तो रिजल्ट के अंदर बहुत बच्चों के मार्क्स कम ना आ जाए, इसलिए कुछ बच्चों के दोस्त मार्क्स को फिर से रिव्यू करवाने के लिए रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया है कि भाई इस तरीके से मार्क्स ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, इनमें तो बच्चे फेल हो जाएंगे भाई इस तरीके से। लेकिन मैं आपको इतना तो जरूर कहना चाहता हूँ यार कि जो फॉर्मूला NUS बोर्ड ने निकाला था उसके बिहाब पे आप सभी के मार्क्स काफ़ी बेहतर आए। और जो ग्रेस मार्किंग का सिस्टम दोस्त हम कई दिनों से उठा रहे हैं कि उन बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया जाए दोस्त जो डिजर्व कैंडिडेट हैं, ताकि वो आगे नीट या किसी भी JEE मेंस के एग्ज़ाम में जिस भी कॉलेज के अंदर वो एडमिशन ले तो उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जो अब तक उनको फेस करना पड़ता है। एज़ कम्पेयर टू CBSE बोर्ड दोस्त वो आराम से निकल जाते हैं, NUS बोर्ड को बहुत दिक्कत आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। रही बात दोस्तों यहाँ पे जून रिजल्ट की, तो 31 जुलाई का डेट यहाँ पे फिक्स किया गया है। ज़रूर है कि हम 31 जुलाई तक पूरे रिजल्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। जो खामियाँ बीच में आई है, कुछ कमियाँ निकल कर आई है, उनको सुधारने की बात कही गई है और दोस्तों मोस्टली काम को सुधार लिया गया है। कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिनके TMA में मार्क्स हद से कम थे तो उनको अब ठीक किया गया है। डोंट वरी, टेंशन मत लेना दोस्त, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, अगर आपके साथ इस जगह पे गलत हो रहा है वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ उठाऊँ ताकि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्त वहाँ पे मुझे सबसे बड़ी बात उन बच्चों के लिए उठानी थी जो ऑन डिमांड के स्टूडेंट थे। जून आपको पता है दोस्त कि 19 अप्रैल से लेकर 31 मई के बच्चों को भी प्रमोट किया गया था। अब उन बच्चों को प्रमोट तो किया गया लेकिन TMA होता नहीं है, तो TOC का बेस और पास्ट परफॉर्मेंस का जो बेस बनाया गया उसके अंदर मार्क्स कैसे दिया जाए, इन बच्चों के साथ कुछ अलग ही इंजस्टिस हो जाता भाई। इसलिए इन बच्चों के साथ कोई दिक्कत ना हो, हमारी डिमांड बिल्कुल जारी है दोस्त। हर एक चीज़ के ऊपर मैं नज़र बनाए रखता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को एक चीज़ लगता है दोस्त, मेरी ये आईज अभी भी रेड हो रही होगी, पता क्यों?
रात भर जग रहा हूँ दोस्त, मैं जो अक्टूबर वाले बच्चे हैं उनके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस पेपर आपके अक्टूबर एग्जाम में आने वाले हैं उनके आंसर्स पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप सभी को बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड कर पाऊँ। दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस का लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो जो फर्स्ट लिंक पे उस पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें हम आपको टीम में प्रैक्टिकल्स क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ एंड जो अक्टूबर एग्जाम्स के दोस्त जो बच्चे हैं इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके आंसर्स दोस्त पहले ही प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर वाइज आपको चैप्टर पढ़ा जा रहा है जिसमें से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। इस क्लास के अंदर ऑन डिमांड के स्टूडेंट और अक्टूबर के स्टूडेंट्स दोस्त ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। 2022 में जिनके अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन होना यार ताकि मेरी ये मेहनत सफल हो पाए, जून का रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, इसके लिए डिमांड हमारी जारी है। बस मैं बस यही चाहता हूँ कि एक भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि बच्चे ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ सबमिट करवाया हो और किसी भी टीचर की गलतियों की वजह से कोई बच्चा फेल हो जाए, तो ऐसा ना हो दोस्त। ये मेरी नज़र हमेशा इस चीज़ पर रहता है, क्यों? क्योंकि मैं जितने भी मेरे प्यारे फैमिली हैं, मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त हैं, उन सभी की चिंता मेरे मन में रहती है ताकि आगे आप सबके लिए मैं काम कर पाता हूँ। हमेशा दोस्त एक एक पल पल की खबर मैं एनएस बोर्ड के अंदर अधिकारियों से हमेशा पल पल की बात करता रहता हूँ ताकि आप सबको कोई डाउट कोई परेशानी ना हो। आज भी दोस्त जब लिंक टू लिंक जब बात होती है तो एक ही चीज़ का मैं मुद्दा उठाता हूँ, चाहे पब्लिक का बच्चा हो या ऑन डिमांड का स्टूडेंट हो, किसी के साथ कोई तकलीफ ना हो। एनएस बोर्ड जब वो निकले तो दो जनों को यही कहे कि अच्छा बोर्ड है, अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे, और दोस्त आपके दौर में मैं और मुझे सेवा करने का मौका मिला आप सभी का, ये मेरे से मतलब कि मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य कोई और कुछ हो ही नहीं सकती यार। धरती पान के लगता है इस मकसद पूरा हो गया आप सभी की हेल्प करने के बाद तो यार। तो दोस्त ये सारे जो अपडेट्स रहते हैं पल पल के देते रहता हूँ, बाकी और भी आपके मन में कोई डाउट्स होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्त अक्टूबर के जो स्टूडेंट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना टीएमए जरूर सबमिट करवा लेना, 31 जुलाई ही लास्ट डेट है, आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाना है और वहाँ पर सबमिट करवाना है। जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो भी वहाँ पर जाके ले सकता है, बाकी अगर और भी ऐसे डाउट्स होते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, टेंशन मत लेना आप सभी लोग। तो दोस्तों जून का रिजल्ट बहुत बेहतर आए सभी बच्चों के लिए, इसकी शुभकामनाएं और इसकी दोस्तों मैं दुआएं प्रभु से करता हूं ताकि एक ही बच्चे के साथ कोई परेशानी ना हो यार। इस बार आप सभी को खुश रखें, आप अपना और अपनों का ध्यान रखना, क्यों दोस्त बिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार बनाए रखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, इस वीडियो को सभी दोस्तों पर शेयर करना ताकि सभी बच्चों को पता चल पाए हर एक पल पल की अपडेट एनएस के रिगार्डिंग, क्योंकि ये ऑफिशियल रूप से चैनल दोस्त में जो बनाया है मैंने ताकि आप सबकी मैं ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन दोस्त मैं आपको पहुंचा पाऊँ। बाकी कोई डाउट्स आपका रहता है मन में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये दोस्तों कुछ खामियां थी जो एनएस बोर्ड के अंदर अभी तक चल रही थी कुछ बच्चों के साथ, उनको सुधार दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड ने जब कर दिया तो एनएस बोर्ड में तो आम बात है यार सब। चलिए दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत।